Very good afternoon to all the aspirants of robotics education in India as well as abroad. बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो हैं वो अपना प्यार हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ के देते हैं और हम भी पूरा कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस को हम आपके लिए सॉर्ट आउट करें. और इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आज मेरे पास आया था. मेरे ख्याल से कल लेट नाइट की बात है, मैंने ये क्वेश्चन अपने मेल पे देखा और सोचा कि इसको डिस्कस करें. तो आज का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्कारा रोबोटिक्स पर है, स्कारा रोबोट्स पर है. इस कन्वर्सेशन के बाद मैं जस्ट एक वीडियो डालने वाला हूँ, वीडियो डालूंगा, इसमें स्कारा रोबोटिक्स को वर्किंग करते दिखाया जाएगा. तो आप देखेंगे कि किस तरह से उसका रोबोट का कॉन्फिगरेशन किस तरह से वर्क करता है. ठीक है, उसी बेसिस पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहले इसका वीडियो देख लेते हैं. It's missing a couple of them. What's that? It's missing a couple of them. Oh, yep. Yeah. See that? जी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि स्कारा रोबोट्स कैसे काम करते हैं किसी भी वर्क वॉल्यूम में. और उस वर्क वॉल्यूम में लगभग उनकी वर्किंग की स्ट्रेटजीज मैंने दो तीन वीडियोस डाले हैं, उन वीडियोस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वर्किंग उनकी कैसी होती है. तो ये क्वेश्चन मुझे एक बीटेक के बच्चे ने पूछा था. और बीटेक का बच्चा जो है उसने ये क्वेश्चन कहीं से भी लाया होगा, तो बहुत सारे मोड्स हैं. बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि ये एक स्कारा, दिस इज अ स्कारा कॉन्फिगरेशन. ये स्कारा कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस से आप देख सकते हैं स्कारा कॉन्फिगरेशन कैसे वर्क करता है. ठीक है, उसको मैंने मैप करने की कोशिश की है यहाँ पर. तो स्कारा कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, दो लिंक्स दिए हैं, एक दैट इज L/2 एंड L/2, दोनों की लेंथ जो है वो L/2 दी हुई है. दो लिंक्स की लेंथ जो है वो L/2 दी हुई है, जो कि एक प्रिज्मेटिक ज्वाइंट से अटैच है. और ये प्रिज्मेटिक ज्वाइंट जो है फाइनली किससे अटैच है, ये एंड इफेक्टर से अटैच है, या हम कह सकते हैं ग्रिपर से अटैच है. ठीक है, तो ये ग्रिपर से अटैच है. और ये ग्रिपर किस पे वर्क कर रहा है, ये वर्क, दिस इज द वर्क पार्ट, ये वर्क पार्ट है. इस पर इसको कोई चीज, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को उसने इसको पिक करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए शायद ये स्कारा रोबोट कॉन्फिगरेशन लगाया गया होगा. इन दोनों लिंक्स की लेंथ L/2 सेम दी हुई है. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि इस वाले जो लिंक की लेंथ जो है नहीं गिवन है. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपको पता है मैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में बता चुका हूं, अगर ये मेरा रोबोट है ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द ज्वाइंट्स. ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द लिंक्स. ठीक है, ये पहले वीडियो में, सबसिक्वेंट वीडियो में बता चुका हूं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो इन दोनों लिंक्स की लेंथ दी गई है, ये प्रिज्मेटिक ज्वाइंट के रेंज ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है D/D3. D3 नोटेट किया गया है इस चीज को, कि इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट इस प्रिज्मेटिक ज्वाइंट की D3 है. प्रिज्मेटिक ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रिज्मेटिक ज्वाइंट जैसे कि इस तरह का अरेंजमेंट होता है. ये सपोज कास्ट है, उस कास्ट या केस के अंदर यह आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, दैट इज अ सिलेंडर. ठीक है, इसका मोशन इसके अंदर बाहर इस तरह से होता रहेगा. ये केसिंग है, इसको केसिंग कह सकते हैं आप. ठीक है,
इस केसिंग के अंदर इस सिलेंडर का मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होता रहेगा, दैट इज काइंड इज अ काइंड ऑफ प्रिज्मेटिक ज्वाइंट, ये प्रिज्मेटिक ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, आप रोबोटिक्स में जब आप इनिशियल फेज पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, टी ज्वाइंट्स होते हैं, प्रिज्मेटिक ज्वाइंट्स होते हैं, रोटरी ज्वाइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है इस आपके स्कारा रोबोट में ये रोटेटिंग पार्ट भी होता है, दिस इज पार्ट इज रोटेटिंग पार्ट, थीटा एंगल या थीटा रेडियंस का रोटेशन भी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इस बेस लिंक की बात ही नहीं की गई है, केवल इन ज्वाइंट्स इन लिंक्स की बात की गई है और इस प्रिज्मेटिक ज्वाइंट की बात की गई है, और ये कहा गया है कि दीज लिंक वन एंड टू आर ऑफ इक्वल लेंथ एल बाई टू, रेंज ऑफ मोशन ऑफ प्रिज्मेटिक ज्वाइंट, एक ही प्रिज्मेटिक ज्वाइंट दिख रहा है हमें, दैट इज दिस इज द प्रिज्मेटिक ज्वाइंट, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट की वैल्यू कितनी डी थ्री दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें कंप्यूट करना है, देन कंप्यूट द स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स एस एल आई। तो यहाँ पे एक टर्म आया है स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स, दैट इज एस एल आई, इसको क्यू एल से डिनोट भी करते हैं, ऑफ दिस स्कारा रोबोटिक आर्म कॉन्फिगरेशन। तो जो वीडियोस अटैच किए हैं उससे आपको स्कारा रोबोटिक्स के बारे में पता चल जाएगा, स्कारा रोबोट्स किस तरह के रोबोट्स होते हैं। स्कारा का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का एक ही एक्सिस पर रोटेशन करते हुए हम जो है उस अपने वर्क पार्ट पर पहुंचते हैं और उसी हिसाब से वर्क वॉल्यूम को कवर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात यहाँ पे स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स क्या होता है ये बताने के लिए मुझे आपको यहाँ आपके समक्ष इस पोर्टल पे आना पड़ा। जो जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा है उसका इसका मतलब उसको एसक्यूएल के बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो एसक्यूएल को एक जो टर्म है, सॉरी एसक्यूआई, स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स, एसएलआई, स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स। तो स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स किसी भी रोबोट का, इसे स्कारा रोबोट का ही नहीं होता, किसी भी आर्टिकुलेटर आर्म रोबोट का भी एसएलआई निकाला जा सकता है। लेकिन एसएलआई को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको इफेक्टिव लिंक या इफेक्टिव आर्म लेंथ का पता होना, जो कि बहुत से लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं। बेसिक की बात करें तो हमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज करता है क्वेश्चन वन इसके बाद कि व्हाट इज एसएलआई इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, आखिर एसएलआई होता क्या है, स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स। तो ये इसको मैंने फॉर्मुलेट किया है QL, इसको QL लिखा जाता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मैनिपुलेटर लेंथ एंड द क्यूब रूट ऑफ द वर्क स्पेस वॉल्यूम। तो एक चीज तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे लेंथ सिंपल नहीं है, इफेक्टिव के बारे में बात की गई, इफेक्टिव लेंथ है, तो आखिर इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव मैनिपुलेटर लेंथ क्या होती है। दूसरी बात, हमने वर्क स्पेस वॉल्यूम का क्यूब रूट क्यों लिया, तो क्यूब रूट इसलिए लिया, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी लेंथ का वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस लेंथ की डायमेंशन में आ जाएगा और लेंथ से ये लेंथ क्रॉस हो जाएगी, तो इसलिए क्यूएल की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, एफिशिएंसी की तरह ये वर्क करेगा। और इसके अगर हम फिजिकल डेफिनेशन की बात करें, फिजिकल डेफिनेशन मैंने लिख भी रखी है, फिजिकल डेफिनेशन ऑफ क्यूएल, क्यूएल अटेम्प्ट्स टू समराइज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिंकेज लेंथ required by different configuration to generate a given work volume। तो कहने का मतलब क्या है कि एक रोबोट जो आपकी कितनी इफेक्टिव लेंथ उसके आर्म को लगी किसी वॉल्यूम को कवर अप करने के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचें तो जितनी हमारा वर्क जो आपकी लिंक की जितनी लेंथ होगी, लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ऑब्वियस सी बात है उसमें फोर्सेस और टॉर्क का जो गणना है, या फोर्सेस या टॉर्क का समीकरण उसमें एड ऑन होता जाएगा, इनर्शिया का जो है ओवरलोड पड़ेगा उस पर। तो बेहतर क्यूएल क्या होगा, बेहतर क्यूएल वो होगा जब बेहतर डिजाइन वो होगा जिसमें क्यूएल की वैल्यू कम हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यूएल जो है क्या करता है, किसको समराइज करता है, टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिंकेज लेंथ रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट कॉन्फिगरेशन टू जनरेट अ गिवन वर्क वॉल्यूम। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि द क्यूएल इफेक्टिव क्यूएल शुड बी, कौन सा क्यूएल वैल्यू इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव क्यूएल शुड बी व्हेन अ स्मॉल लिंक लेंथ लिंकेज लेंथ कवर अ लार्ज वॉल्यूम वर्क स्पेस वॉल्यूम। जब हमारी कम से इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करें, इस तरह से रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन करें जिसमें कि हमारी जो लिंक लेंथ है जो उस इफेक्टिव एंड इफेक्टर को उस इफेक्टिव या डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंचाने के लिए जो हमारी लिंकेज लेंथ है वो कम से कम हो, और उस कम से कम लेंथ में वॉल्यूम ज्यादा से वर्क स्पेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा कवर करे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर रोबोट के कॉन्फ़िगरेशंस
किन्हीं जगह पर सपोज रोबोट कॉन्फ़िगरेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे कार्टिजन होता है, स्कारा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, पोलर होता है, स्फेरिकल होता है, तो किस सिचुएशन में कौन सा रोबोटिक आर्म कॉन्फ़िगरेशन लगाना है ये QL ही डिसाइड करता है। क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव QL के लिए क्या होना, हमें QL की वैल्यू को कम से कम चाहिए। QL की वैल्यू कम से कम का सीधा सा मतलब हो गया उसकी जो लिंकेज लेंथ है या आर्म लेंथ है वो कम से कम यूज हो या कम से कम आर्म लेंथ हो, लेकिन उसका वर्क स्पेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो। तो QL की इसलिए रेशियो इस तरह से निकाला गया है, इफेक्टिव मैनिपुलेटर लेंथ इन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि अभी हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे, आप देखेंगे कि स्कारा कॉन्फ़िगरेशन रोटरी एक्चुएटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे लिंकेज लेंथ जो ली गई L/2 L/2 ये दोनों कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में किसी एक्सिस एक्स एक्सिस के हिसाब से मानी गई है। अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से माने, दैट इज एक्स दैट इज वाई, ठीक है, इसीलिए इन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स कहा गया इफेक्टिव मैनिपुलेटर लेंथ अपॉन क्यूब रूट ऑफ द वर्क स्पेस वॉल्यूम। मैंने बता दिया क्यूब रूट मैंने क्यों कहा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट अगर किसी भी वॉल्यूम का मीटर, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, लेंथ के मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, अगर उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ऑब्वियस बात है वो डायमेंशन सेटिस्फाई हो जाएगा और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपकी डायमेंशन लेस हो जाएगी, बिल्कुल एफिशिएंसी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म जो आया है बार बार इफेक्टिव, इफेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वही जो लिंक लेंथ लिंकेज लेंथ लेनी है जो लिंकेज लेंथ उस एंड इफेक्टर को उस वर्क पार्ट तक पहुंचाने में सक्षम हो। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अपना डिरेक्शन यहां से ये निकालता हूं कि इस लेंथ को, इस लिंकेज लेंथ को इन्होंने इनकाउंटर है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इसका क्यों नहीं कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिज्मेटिक ज्वाइंट है, ये प्रिज्मेटिक ज्वाइंट इस लेंथ के वेरिएशन को कवर कर लेगा। चूंकि इस लेंथ के वेरिएशन को कवर कर लेगा इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इफेक्टिव लिंकेज आर्म कैलकुलेशन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रिज्मेटिक ज्वाइंट इसे जो कवर कर रहा है, ठीक है, यही ऊंचाई ये भी कवर करेगा, यही ऊंचाई ये भी कवर करेगा, इसीलिए इस लिंक के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है, केवल L/2 L/2 और इस प्रिज्मेटिक के रेंज की बात की गई है। तो ऑब्वियस ही बात है इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर, L/2 L/2 + D3, दैट इज L + D3, ठीक है। और लेकिन वर्क स्पेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि वर्क स्पेस वॉल्यूम जब यहाँ पे ये प्रिज्मेटिक ज्वाइंट किसी चीज को उठाएगा यहाँ पर, तो ये जो घूमेगा तो ये इस तरह से कहीं घूमेगा, इसका इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा यहां से जाते हुए दिस, ठीक है। तो ये जो मोशन बार बार यू यू करेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन भी किया है, इस तरह का सिलेंडर बना लेगा, जो इस सिलेंडर की जो रेडियस हो जाएगी वो L/2 + L/2 हो जाएगी, दैट इज L हो जाएगी, और उसकी सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट प्रिज्मेटिक ज्वाइंट D3, क्योंकि हमारा वर्क पार्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, चूंकि वर्क पार्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये इफेक्टिव हाइट जो सिलेंडर की हाइट जो हो जाएगी वो D3 हो जाएगी, जो प्रिज्मेटिक ज्वाइंट की हमारे पास हाइट थी, और उसके अलावा रेडियस हो जाएगा L/2 + L/2। यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, ये आर्म कॉन्फ़िगरेशन से घूमेगा तो जो आपका रेडियस क्या बनेगी, L/2 + L/2, ठीक है, इस वर्क पार्ट के को उठाने के लिए। तो आपका वर्क स्पेस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो वर्क स्पेस वॉल्यूम, थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ कैमरे को, यहाँ पे देखिएगा तो वर्क स्पेस वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर सिलेंडर की हाइट h होती है, अगर हाइट h है और r रेडियस r है तो πr² h होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हाइट क्या है D3 है और रेडियस क्या है L/2 + L/2 क्या हो जाएगा L, यहाँ πL² D3 इसका वर्क स्पेस वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब आपको वैल्यू केवल रखनी है, तो QL की वैल्यू क्या हो जाएगी L + D3, ये L + D3 कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है अपॉन πL² D3 का क्यूब रूट, यहाँ पे क्या है 1/3, दैट इज द क्यूब रूट। तो ये तो इक्वेशन आ गई आपकी SLI की, दैट इज स्ट्रक्चरल लेंथ इंडेक्स की। तो उसने जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था QL की वैल्यू, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि QL होता क्या है। इसके अलावा बहुत सारी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी पर भी आते हैं रोबोटिक्स में, ठीक है, वो भी एक मैथमेटिकल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको हम मेजर करते हैं एक्यूरेसी किसी रोबोटिक आर्म की, उसके लिए उसका न्यूमेरिकल किसी और दिन मैं आपको कराऊंगा। चूंकि अभी बच्चे की क्वेरी इसके रिगार्डिंग थी QL के बारे में, वो रोबोट के QL की पैरामीटर्स को नहीं समझ पा रहा था, और स्ट्रक्चर लेंथ इंडेक्स कभी भी दिया भी नहीं जाता, डायरेक्ट QL दे दिया जाता है,
तो आपने डायरेक्ट QL को उसको निकालना है। तो वर्क स्पेस वॉल्यूम एक सिलेंडर हो जाएगा। इफेक्टिव, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इफेक्टिव लेंथ लेनी है। ये इफेक्टिव लेंथ मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन या इसका ये जो रोल है वो इस वर्क पार्ट के वर्क स्पेस वॉल्यूम को बनाने के लिए ना काउंटर किया गया हो, क्योंकि ये लेंथ आपका इस प्रिज्मेटिक ज्वाइंट से ही कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, फिजिकल डेफिनेशन, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। जो फिजिकल डेफिनेशन लिखी है QL की, दैट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर से बताता हूं कि अच्छे डिजाइन के लिए QL की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज QL शुड बी मिनिमम। तो QL मिनिमम कब होगा, ऑब्वियस ही बात है बाय द फॉर्मूला ऑफ QL, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैनिपुलेटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू L बाय Q रूट W। तो अगर वर्क स्पेस वॉल्यूम को हमने W से दिखाया है और L को दिखाया है इफेक्टिव लेंथ से, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं QL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W या क्यूब रूट ऑफ द वर्क स्पेस वॉल्यूम। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉर लेसर QL, QL की वैल्यू अगर कम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, L की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा। और हम चाहते भी ऐसे ही हैं कि लार्ज वर्क स्पेस वॉल्यूम कवर करें लिंकेज लेंथ को, इफेक्टिव लिंकेज लेंथ को कम करते हुए, क्योंकि जितना इफेक्टिव लिंकेज लेंथ बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है उतना ही उसमें टॉर्क इफेक्ट्स आ जाएंगे, रिस्टोरेशन इफेक्ट, रिस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट्स टॉर्क के आ जाएंगे, इनर्शिया के आ जाएंगे, तो वो भी हमें काउंटर करने पड़ेंगे। इसीलिए यहां पर हमने L की वैल्यू कम होगी जितनी, और W की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना Q की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि W इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट का, QL इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्कस्पेस वॉल्यूम के क्यूब रूट का। इसीलिए अगर W की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Q की वैल्यू उतनी मिनिमम होगी, और जितनी Q की वैल्यू मिनिमम होगी उतना ही वो कॉन्फिगरेशन उस पर्टिकुलर टास्क के लिए फेवरेबल होगा। यहां लिखा भी मैंने है, व्हेन अ स्मॉल दैट इज QL अटेम्प्ट्स टू समराइज अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिंकेज लेंथ रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस टू जनरेट अ गिवन वर्क वॉल्यूम, टू जनरेट अ गिवन वर्क वॉल्यूम दैट इज इफेक्टिव व्हेन अ स्मॉल लिंकेज लेंथ, जब स्मॉल लिंकेज लेंथ ज्यादा से ज्यादा वर्क स्पेस वॉल्यूम को कवर करे। ठीक है, तो इसको अगर एक बार में हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे जिनको एक बार में समझ में ना आए, तो इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि हम अपनी लेंथ को, अपने स्ट्रक्चर लेंथ को हम कम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और वर्क स्पेस वॉल्यूम को जितना बढ़ाएंगे, चूंकि हमारे लिंकेज लेंथ को जितना बढ़ाएंगे उसमें टॉर्क और इनर्शिया इफेक्ट आ जाएंगे। तो अच्छी डिजाइन वही है जिसका QL कम हो, QL कम होने का मतलब इफेक्टिव स्ट्रक्चर लेंथ कम हो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, और वर्क स्पेस वॉल्यूम उतना जितना ज्यादा हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, इसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो इसको आप देख लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे, आप जैसे कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे मेल पर, तो उसी से ये प्रॉब्लम मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो दैट्स फाइन फॉर मी। एंड होपिंग कि हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका आप थोड़ा सा रिगार्ड करें, चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।